Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about some famous sculpture. Okay, our first sculpture is Descent of Ganga. ये एक relief sculpture है. Okay, ये 7th century AD का है. ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है. Okay, इसका जो theme और जो subject matter है वो है Allure relief sculpture depicting the legend of fall of Gangas from heaven. Okay, इसमें क्या दिया हम आगे देखते हैं. डिसेंट ऑफ गंगा जो है ये महाबलीपुरम का एक रिमार्केबल स्कल्पचर है. ये दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे पुराना स्कल्पचर पैनल है. ओके, इस फेमस रिलीफ में ग्रेनाइट रॉक्स के दो बड़े शिलाखंडों पर डिसेंट ऑफ गंगा यानी जो गंगा को अवतरण है उसकी कहानी को बनाया गया है. ठीक है, उसके बीच में एक नैरो फिसर है जिसमें नागराज और नागकन्या यानी नाग के जो देवी देवता हैं उसको उकेरा गया है, बनाया गया है. Okay. इस रिलीफ पैनल पर मूर्तिकार ने सन, मून, अर्थ, वाटर जैसी नक्काशियाँ की है. ओके, इसमें कई ह्यूमरस एनिमल, डाइटीज और क्रिएचर्स भी बनाए हुए हैं. इसमें एक प्रमुख दाढ़ी वाले व्यक्ति को भागीरथ के रूप में दिखाया गया है जो कि एक पैर पर खड़ा है और उसने जो अपनी आर्म्स हैं उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए भगवान शिव के साथ प्रेयर करते हुए दिखाया है कि वह ह्यूमन बीइंग्स के लिए गंगा को जो उन्होंने अपने हेयर्स में रखा हुआ है उसको वहाँ से मुक्त करें और उसे उड़ाएं. ओके, इस रिलीफ स्कल्पचर के अंदर दो लाइफ लाइक एलिफेंट बनाए गए हैं और इसमें टू लॉयंस भी हैं जो कि एंट्रेंस पर हैं, एंट्रेंस पर गार्डियन के रूप में दिखाए गए हैं. ओके, वहीं पर इसमें लेफ्ट साइड में नीचे की ओर योगियों का एक समूह दिखाया हुआ है. ओके, जो कि मंदिर के आसपास एकत्रित होते हुए दिखाए गए हैं, पल्लव मंदिर के आसपास एकत्रित होते हुए दिखाए गए हैं. ओके, और इसमें साथ में ही एक कैट को अपने दो पैरों पर संतुलन रखते हुए दिखाया गया है. ओके, इसमें साथ ही में एक हिरण, शेर और बत्तख भी दिखाए गए हैं. ये रिलीफ जो है, ये जो रिलीफ स्कल्पचर है ये 30 मीटर लंबा और 50 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला माना गया है. इसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट और जो उसके बेटे हैं ममला के शासन के दौरान बनाया गया. इस रिलीफ स्कल्पचर में अजंता पेनेका, इस रिलीफ स्कल्पचर को अर्जुन स्पनेका भी कहा गया यानी अर्जुन की तपस्या के रूप में इसको जाना जाता है. ओके, हमारा नेक्स्ट स्कल्पचर है त्रिमूर्ति. ओके, ये स्टोन का बना हुआ है. ये एक रॉक कट हाई रिलीफ स्कल्पचर है. ये 9th century का है और ये एलिफेंटा जो नियर बॉम्बे के पास जो एलिफेंटा है यानी महाराष्ट्र में ये बना हुआ है. ओके, इसका जो थीम है वो है द थ्री फेस स्कल्पचर ऑफ थ्री फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा. ओके, ये जो स्कल्पचर है ये अपने साइज़ में बहुत लार्ज है. ओके, इसके अंदर शिव भगवान के जो तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं उसको दिखाया है. इसमें थ्री फेसेस यानी कि जो सद शिवा है देन द लो गॉड महादेवा, सेकंड महेश्वरा द अलमाइटी और महेश मूर्ति यानी कि लॉर्ड शिवा के रूप में दिखाया है. ओके, इसके जो सेंटर का जो हेड है उसे मेडिटेशन के रूप में दिखाया है. शिव को योगी योगेश्वर के रूप में ह्यूमैनिटी के प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हुए मेडिटेशन करते हुए दिखाया है. वे विष्णु की तरह काम, जेंटल और फॉर्म रूप में बनाए गए हैं. इसमें जो राइट साइड का फेस है वो अघोरा भैरव का है. ओके, इसमें इसको जो है वैदिक रौद्र से जोड़ा गया है जो कि एक टेरिएबल भयानक रूप में दिखाया गया है जिसको हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में भी जानते हैं. ओके, जो कि अपने एंगर यानी जो क्रोध है उससे वो अपने पूरे संसार को आग की लपेटों में निगल सकता है. ओके, जो लेफ्ट साइड में फेस दिया गया है उसमें फेस को शिव शक्ति के रूप में दिखाया गया है. यह इस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो कि यूनिवर्स का निर्माण करता है. इसमें सेंशुअस लिप्स, सिंबॉलिक लाइफ और एनर्जी को दिखाया है. इसके जो हाथ में एक रोज बर्ड यानी लोटस जैसा कुछ है जो कि लाइफ और क्रिएटिविटी को दिखाता है. इसका जो राइट हैंड है वो टूट गया है. इसका जो फेस है वो ब्रह्मा, उमा या वामा देवा जैसा दिखाई देता है. ओके, इस मूर्तिकला
कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो इन तीन फेसों को एक करके बनाना है। इसमें सिंगल गॉड को सॉफ्ट, काल्म और एनर्जी को दिखाया गया है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कल्पचर है लक्ष्मी नारायणा। ओके, ये स्टोन में बना हुआ है, 10th century AD का है और ये खुजराव MP में है। ओके, इसका जो थीम है वो है द एटर्नल डिवाइन कपल लक्ष्मी नारायणा प्रेजेंटेड साइड बाय साइड इन एटर्नल ब्लिस। ओके, चंडेला ने खुजराव में फेमस टेंपल बनाए थे। इन मंदिरों को दुनिया के ग्रेट आर्टिस्टिक वंडर्स के रूप में जानते हैं। ये जो मंदिर हैं ये भगवान शिव को डेडिकेट हैं। ये टेंपल खुजराव के मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल हैं। ओके, इसमें जो है विष्णु को नारायण के रूप में दिखाया गया है जब वह अपने पार्टनर लक्ष्मी जी के साथ अपने वैकुंठ में होते हैं। ओके, इसमें हिंदू धार्मिक में सोल को स्पार्क ऑफ लक्ष्मी नारायणा भी कहा जाता है। इसमें लक्ष्मी नारायणा और विष्णु को दिखाया हुआ है जिसमें विष्णु को एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में शंख लिए हुए दिखाया है। वहीं पर इसमें विष्णु जो भगवान है उसने नारायणा को पकड़ा हुआ है। ओके, इसमें जो दोनों की फिगर्स है वो बहुत ब्यूटीफुली बनाई हुई है। ओके, इसके अंदर शार्प नोज, प्रोमिनेंट चिन, लॉन्ग स्लांटिंग आइज को दिखाया हुआ है और इसमें ब्यूटीफुली आईब्रोज को दिखाया हुआ है। ओके, ये जो स्कल्पचर है ये फुली रिलीफ है। इसके अलावा यहाँ पर कई और लविंग कपल गॉड और गॉडेस के स्कल्पचर बने हुए हैं। इसके अंदर कुछ माइथोलॉजिकल एनिमल्स को बनाया हुआ है और इसके अंदर इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स जो हैं वुमेन्स और मैन की जो शेप्स हैं वो इसने बनाई गई हैं और जो इसको एनग्रेव किया गया है इसमें कुछ और वुमेन और मैन की शेप भी बनाई गई हैं। ओके, ये थे हमारे तीन फेमस स्कल्पचर, लक्ष्मी नारायणा, डिसेंट ऑफ गंगा एंड त्रिमूर्ति। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। गुड बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।